हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल आर्टिस्टी होम पे आपका स्वागत है। आज हमने इस वीडियो में एक शो पीस तैयार किया है। ये शो पीस देखिए कैक्टस गार्डन का है। इसमें हमने 8 तरह के कैक्टस लगाया है, साथ ही साथ में ये जो हमने ट्रे बनाया है, ट्रे में रॉक्स है वो भी हमने क्ले से तैयार किया है। ये देखिए कैक्टस गार्डन देखने में कितना अट्रैक्टिव लग रहा है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। पहला कैक्टस बनाने के लिए यहाँ हमने पैरेट ग्रीन कलर का स्ट्रिप लिया है 3 mm का, और ये हमारी स्ट्रिप 44 सेंटीमीटर की है। इससे हम टाइट कॉइल बनाएंगे, लेकिन हमने यहाँ पे कोइलिंग टूल नहीं लिया है, उससे थोड़ा सा मोटा स्टिक लिया है अपने कोइलिंग नीडल के साइज से, और इसी पे हम टाइट कॉइल बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से बीच में होल है। अब इस टाइट कॉइल को हम कोन शेप में देंगे। ये हमारे पास एक वुडन कोन बनाने के लिए है। इसी पर ये इस तरह से, अब इसमें हम थोड़ा सा फेविकोल लगा देंगे। फेविकोल लगाते समय ध्यान देंगे कि हमारी होल बंद ना हो। अब इसके बाद से हमने ये हार्ट शीट लिया है, थोड़ा वाइट कलर का है, और इससे हम छोटे छोटे फ्रिजेस काटेंगे। ये देखिए अब इसको हम रोल करेंगे। इस तरह से रोल कर देंगे। और ये रोल करने के बाद इस होल में हम इसको इस तरह से लगा देंगे। अब ये लगाने के बाद हम इसमें अंदर फेविकोल फिल कर देंगे, जिससे कि वो निकले ना। ये हल्का से उसको स्प्रेड कर देंगे। ये देखिए ये बन के तैयार हो गया है। इसी तरह से ये हमने और बर्ड बना लिए हैं। इसके बाद से हमने सेम कलर का स्ट्रिप लिया है, इससे हम एक बड़ा टाइट कॉइल तैयार करेंगे। ये देखिए अब इसको हम थोड़ा सा राउंड शेप में बना लेंगे। ये देखिए अब इसमें भी हम फेविकोल फिल कर देंगे।
अब ये ड्राई हो जाएगा तब हम इसको इसके ऊपर सेट करेंगे। ये ड्राई हो गया है, अब हम इसी पर इसको लगाएंगे। ये देखिए, ये हमारी पहली कैक्टस तैयार हो गई है। अब हम अपना दूसरा कैक्टस बनाएंगे। इसके लिए हमने 5 mm की ग्रीन कलर की स्ट्रिप ली है। ये हमारी 22 सेंटीमीटर की है। इससे हम एक लंबी सी कोन तैयार करेंगे। अब इसको हम पहले हम पॉइंटेड पेंसिल हमने लिया है, इससे हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे। और हमें चूंकि बहुत लंबी सी कोन तैयार करनी है तो हमने अपने ही ट्वीज़र से ही इसी पर थोड़ा सा और लंबा कर दिया इसको। को हल्का सा खींच के भी आप लंबा कर सकते हैं। ये देखिए, ये लंबी सी कोन तैयार हो गई है। अब इसमें हम थोड़ा सा फेविकोल फिल कर देंगे, ये शेप बिगड़े नहीं हमारा। इसके बाद से इसको हम हल्का सा तरह से राउंड शेप में घुमा देंगे। ये देखिए, ये तैयार हो गया है। इसी तरह से हमने और भी तैयार कर लिया है। इसके बाद से हमने एक टाइट कॉइल तैयार किया है। टाइट कॉइल तैयार करके इस तरह से इसको राउंड शेप में बना लिया है। अब इसी पर हम अपना जो ये हमने बनाए थे लंबे लंबे, ये इसको जिपर स्टिक करेंगे। ये देखिए, ये भी बन के तैयार हो गया। अब हम अपना तीसरा कैक्टस बनाते हैं। इसके लिए ये हमने ऑलिव ग्रीन कलर का स्ट्रिप लिया है। इससे हम एक बड़ा टाइट कॉइल तैयार करेंगे।
ये देखिए टाइट कर तैयार हो गया है। अब हम इसको राउंड शेप में इस तरह से ये देखिए इस तरह से हमने बाउल शेप में इसको बना लिया है। अब हम एक और इसी तरह से बनाएंगे, लेकिन उसमें हम नीचे से थोड़ा सा गैप करेंगे, यानी कि अपने क्विलिंग स्ट्रिप से नहीं बनाएंगे। टाइट कॉइल लगभग सेम साइज का ही रहेगा, लेकिन हमने अंदर जो है वो राउंड शेप में छोड़ दिया है बीच में। अब इसको और इसको हम मिला के देख लेंगे कि ये सेम साइज का है। देखिए ये एकदम सेम साइज का बन के तैयार हुआ। इसको यहाँ पे हम स्टिक कर देंगे। अब इसको भी हम इसी तरह से राउंड शेप में थोड़ा सा घुमा लेंगे। ये दोनों सेम साइज का बन के तैयार हो गया। अब ये हम अंदर दोनों में पहले फेविकोल पूरी तरह से लगा देंगे। जब तक ये दोनों ड्राई होता है तब तक हम फ्लावर तैयार कर लेते हैं। ये हमने 5 mm के रेड कलर का स्ट्रिप लिया है। ये 3 cm का स्ट्रिप है। इस पर हम फ्रिजेस काटेंगे। इसको हम कॉइल कर देंगे प्लस से। अब इसको हम बाहर की तरफ स्प्रेड करेंगे। ये देखिए ये बन गया है। इसी तरह से हमने और भी बना लिए हैं रेड येलो। अब इसके बाद से हम इसको ये साथ स्टिक कर देंगे। ये देखिए ये बन गया है। इसी तरह से एक हमने यहाँ छोटा सा भी बना लिया है। इसमें भी हमने पीछे होल रखा है। अब इसके बाद से ये हमारे पास डार्क ग्रीन कलर का 2 mm का स्ट्रिप है। इसको हम इस तरह से लगाएंगे। तो इसको इसके लेंथ के अकॉर्डिंग
इस तरह से स्टिक करेंगे। फोर स्ट्रिप हम सेम साइज का हम कट कर लेंगे और उसको क्रॉस करके स्टिक करेंगे। देखिए ये स्टिक हो गया है। अब ये थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा तब हम इसको यहाँ पे इस तरह से इसको स्टिक कर देंगे। अब इसको हम इसके ऊपर स्टिक कर देंगे। ये भी स्टिक हो गया है। अब हम इसको यहाँ पे इस तरह से स्टिक कर देंगे। यहाँ पे जो हमने रेड कलर का ये फ्लावर बनाया था उसको भी स्टिक कर देंगे। वन फ्लावर यहाँ स्टिक कर देंगे और वन फ्लावर छोटे वाले पे। देखिए ये हमारा कैक्टस बनके तैयार हो गया। अब हम अपना चौथा कैक्टस बनाते हैं। इसके लिए हमने पैरेट ग्रीन कलर का 4 स्ट्रिप लिया है। इससे हम एक बड़ा सा टाइट कॉइल तैयार करेंगे। इसको बहुत हल्का सा लूज छोड़ेंगे ये। अब इसको इस तरह से ये यहाँ पे स्टिक कर देंगे इसको। ये देखिए ये बन गया है। अब हम यहाँ पे एक और बनाएंगे 2 स्ट्रिप का। ये 4 स्ट्रिप का हमने बनाया था, अब यहाँ पे हम एक 2 स्ट्रिप का बना लेंगे। इसको भी बहुत हल्का सा लूज करके इस तरह से शेप दे देंगे हम। ये देखिए इसी तरह से हमने ये एक और बना लिया है और एक हमने वन स्ट्रिप का बना लिया है। अब इन तीनों को इसके साथ हम स्टिक करेंगे।
अब हम टू स्ट्रिप का एक और हम टाइट कॉइल बनाएंगे इसका बेस बनाने के लिए। अब इसी पर हम इसको स्टिक कर देंगे। ये देखिए ये बन गया। अब यहाँ पे हमने जो येलो कलर का फ्लावर बनाया था उसको यहाँ पर स्टिक करेंगे। ये देखिए ये बन के तैयार हो गया। अब हम अपना फिफ्थ कैक्टस बनाएंगे। इसके लिए ये हमने ऑलिव ग्रीन कलर का स्ट्रिप लिया है। ये हाफ स्ट्रिप से हम एक टाइट कॉइल बनाएंगे और टाइट कॉइल बनाने के बाद इससे कोन तैयार करेंगे। ये देखिए अब इससे हम ये पॉइंटेड पेंसिल है हमारे पास इसी पर कोन तैयार कर लिए। अब इस कोन में हम थोड़ा सा ग्लू लगा देंगे चारों तरफ। इसके बाद से इसको हम थोड़ा सा इस तरह से राउंड शेप में मोड़ेंगे। इस तरह से इसको मोड़ने के बाद हम इसको इस तरह से फ्लैट कर देंगे। इसी तरह से ये हमने एक और बना लिया है। अब इन दोनों को हम एक साथ स्टिक कर देंगे। देखिए इसी तरह से हमने और भी बना लिए हैं। अब इसके बाद से हमने एक ये छोटा सा टाइट कॉइल बनाया है और हम इन सबको इस तरह से स्टिक करेंगे। तो बीच में हम थोड़ा सा टाइट कॉइल रख देंगे जिससे कि इसको बेस मिल सके। अब इसको हम ऐसा जोड़ेंगे कि ऊपर से ये स्टिक हो जाए और नीचे से थोड़ा गैप भी रहेगा तो चलेगा, लेकिन ये ऊपर से स्टिक होना चाहिए। इस तरह से अब इसी के चारों तरफ हम इसको ये इस तरह से स्टिक करते चलेंगे। जैसे यहाँ पे इसको कर देंगे, फिर दूसरे वाले को यहाँ पे कर देंगे, ऐसे गोल सारे हम जो है इसको स्टिक कर लेंगे। इस तरह से इसको होल्ड कर करके इसको स्टिक करेंगे। ये इस तरह से ये देखिए ये हमने चारों तरफ इसको स्टिक कर लिया है और साथ ही साथ हमने एक टाइट कॉइल लगाकर बेस भी बना दिया है जिससे कि ये
तरह से स्टैंड पे खड़ा हो सके। अब यहाँ पे हमने इसमें जितने भी हमने ये लगाए हैं सब में छोटे छोटे कांटे होते हैं, तो उसको बनाने के लिए ये हमने हार्ट शीट का पेपर लिया है और इससे हम ट्रायंगल शेप में छोटे छोटे ये इस तरह से ट्रायंगल शेप में कट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से यहाँ पे हमने और भी कट करके रख लिया है। अब इसको यहाँ पे हम लगाएंगे, थोड़ा सा फेविकोल हम लेकर इसको इसके साथ ही हम लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से हमने एक में लगा लिया, इसी तरह से हम सब में लगा लेंगे। ये देखिए ये बनके तैयार हो गया, हमने सारे जो इसमें है कांटे चारों तरफ हमने सब में लगा दिया है। अब इस पर हम फ्लावर लगाएंगे। ये हमने जो रेड कलर का यहाँ फ्लावर बनाया था ये लगाएंगे। ये देखिए ये भी बनके तैयार हो गया हमारा। अब हम अपना छठा कैक्टस बनाएंगे। इसके लिए ये हमने 5 mm के स्ट्रिप से 2 स्ट्रिप के 2 क्वाइल और 1 स्ट्रिप के 2 क्वाइल तैयार कर लिया है। इससे हम कोन तैयार करेंगे। ये देखिए और दूसरे टाइट क्वाइल से हम राउंड शेप इसमें हल्का सा इस तरह से राउंड शेप में दे देंगे। तो इसके बाद से इसमें हम फेविकोल फिल करेंगे। इसके बाद से इसको हम हल्का सा इस तरह से फोल्ड करेंगे राउंड शेप में। और इसके बाद से इसको हम इसी के ऊपर स्टिक कर देंगे। ये देखिए इसी तरह से ये हमने ये एक और तैयार कर लिया है। अब इसी की तरह से हम इससे भी तैयार करेंगे, लेकिन हम इसको हमने थोड़ा सा फोल्ड कर दिया है, इसको फोल्ड नहीं करेंगे, स्ट्रेट इसी तरह का हम तैयार करेंगे इससे भी। ये देखिए ये तैयार हो गया है। अब ये तीनों ड्राई हो जाएगा तब हम इसको सेट करेंगे। देखिए ये ड्राई हो गया है, अब इसको हम सेट करेंगे। ये हम ऐसे और इधर ये ऐसे लगाएंगे, तो यहाँ पे हम एक होल करेंगे। इसी तरह से एक हमने यहाँ भी होल कर लिया है।
ये देखिए, अब इसके लिए हम स्टैंड तैयार करेंगे। यहाँ पे हमने 3 mm स्ट्रिप लिया है और चूंकि ये नीचे से पॉइंटेड है तो हम इसको टाइट कॉइल जो बनाएंगे वो बीच में होल रखेंगे जिससे कि उसमें हम उसको खड़ा करें। ये देखिए, अब इसको हम इसमें ये इस तरह से इसमें लगा देंगे। ये देखिए, ये हमारा स्टिक हो गया है। अब हम इस पे फ्लावर लगाएंगे। यहाँ पे हमने छोटे छोटे पिंक कलर के फ्लावर बना लिए हैं, अब इसको हम इसी पर स्टिक करेंगे। ये देखिए, ये भी कैक्टस हमारा तैयार हो गया है। अब हम अपना 7th कैक्टस तैयार करेंगे। इसके लिए हमने ग्रीन कलर का 1 स्ट्रिप लिया है और इसको हम हाफ से हमने डिवाइड कर दिया है और इसको दोनों को हम एक साथ स्टिक करेंगे। स्टिक हो गया है, अब हम इसको फिर से डिवाइड करके और फिर से इसको स्टिक कर देंगे। अब यहाँ पे हम इसको फिर से डिवाइड करेंगे और इसको फिर से हम एक बार और दोनों को मिला के स्टिक कर देंगे। ये इस तरह से हमारा 8 स्ट्रिप एक साथ स्टिक हो गया है। ये देखिए, इस तरह से हमने इसको स्टिक कर लिया है और इसके बाद से एक हमने 2 mm का स्ट्रिप लिया है, इसको भी 4 स्ट्रिप एक साथ स्टिक कर लिया है। ये 3 mm स्ट्रिप का था और ये 2 mm का। इसी तरह से हमने 2 पीस ये छोटे छोटे और कर लिया है, इसी साइज में हम इसको भी कट कर लेंगे। ये 4 स्टिक हो गया है, अब इस पे हम इसको करेंगे। इस तरह से हम करेंगे स्टिक। वन स्टिप इधर और 1 स्टिप दोनों साइड स्टिक कर लेंगे। अब इसको हम, ये हमारा लंबे में तैयार हो गया। अब दोनों साइड हम इन दोनों को भी स्टिक कर देंगे। इस तरह से हमारा स्क्वायर शेप में बन जाएगा।
ये देखिए, अब इसको हम ड्राई होने देंगे। ये देखिए, ये स्टिक हो गया है। अब इसको हम कट कर देंगे। इसी तरह से हमने वन और बना लिया है, ये थोड़ा सा हमने बड़ा बनाया है। और अब इसको हम यहाँ से ऊपर से जो है राउंड शेप में कट कर देंगे। ये देखिए, इस तरह से कट कर लिया है। अब इसके बाद से हम यहाँ पे थोड़े से छोटे छोटे कट लगाएंगे। ये देखिए, इस तरह से हम पूरे में चारों में कट लगा लेंगे। ये देखिए, ये हमने वन साइड लगा लिया है। अब हम पूरे में दोनों में कट लगा लेंगे। ये देखिए, ये हमने दोनों में कट लगा लिया है। अब यहाँ पे हमने थ्री स्ट्रिप का ये टाइट कॉइल तैयार कर लिया था, इसी पे हम दोनों को स्टिक कर देंगे। ये देखिए, ये भी कैक्टस हमारा तैयार हो गया है। अब हम अपना एट्थ कैक्टस तैयार करेंगे। इसके लिए ये हमने 5 स्ट्रिप से 3 टाइट कॉइल तैयार किया है और 4 स्ट्रिप से 2 टाइट कॉइल तैयार किया है। ये सारे हमने 3 mm स्ट्रिप से बनाए हैं। अब इन सभी को हम अपने मंडाला टूल से इस तरह से राउंड शेप में बना लेंगे। अब इन सभी में हम फेविकोल फिल कर देंगे, जिससे कि इसका शेप बिगड़े नहीं। ये सभी में हमने फेविकोल फिल कर लिया है। अब इसके बाद से ये हमने सेम कलर का स्ट्रिप लिया है, इसको हम अपने क्रिम्पर से क्रिम्प करेंगे। यहाँ पे जो हमने 4 स्ट्रिप का टाइट कॉइल बनाया था, इस पेस को स्टिक करेंगे। ये देखिए, इसी तरह से हम इसमें भी बना लेंगे। अब इसके बाद से हमने यहाँ पे 3 mm का स्ट्रिप लिया है और इसको हम बीच से डिवाइड कर देंगे और पतले पतले स्ट्रिप तैयार कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से लेके हमने 1 स्ट्रिप से हमने ये टाइट कॉइल तैयार किया है और 2 टाइट कॉइल हमने ये हाफ स्ट्रिप से किया है। इसको हमने अंदर से फेविकोल लगा के राउंड शेप में बना लिया है, जो 1 स्ट्रिप का है। अब इन दोनों को एक साथ हम स्टिक करेंगे। ये देखिए, ये स्टिक कर लिए हैं। अब इसके अंदर फेविकोल लगा के हम इसको यहाँ पे इस तरह से
स्टिक करेंगे और फिर से फेविकोल लगा के हम ये दूसरे वाले टाइट कॉइल को इस तरह से सेट कर देंगे। और यहाँ नीचे हम दोनों को एक साथ स्टिक कर देंगे। इस तरह से, इसी तरह से ये हमने और भी बना लिए हैं। ये हमने एक टाइट कॉइल और तैयार कर लिया है 4 स्ट्रिप से बेस के लिए। ये हम इसको नीचे रख के इसी पर हम अपना सारा स्टिक करेंगे। इसी पर हम जो हमने 5 स्ट्रिप के टाइट कॉइल तैयार किया था इसको तीनों को साथ में स्टिक कर देंगे। अब यहाँ पे हम इन दोनों को एक दूसरे के साथ इस तरह से ये स्टिक कर देंगे। जी, और इसको स्टिक करने के बाद यहाँ पे हम सेंटर में यहाँ स्टिक करेंगे। इस तरह से अब इसको हम ड्राई होने देते हैं। ये ड्राई हो गया। अब ये हमने जो छोटे छोटे बर्ड्स बनाए हैं इसको 1 टाइट कॉइल पर ये 3-3 स्टिक करेंगे। इसी तरह से हम इन तीनों पे भी स्टिक कर लेंगे। ये देखिए, ये भी हमारा कैक्टस बनके तैयार हो गया। देखिए ये कितना प्यारा लग रहा है। अब हम अपनी ये कैक्टस लगाने के लिए हम अपनी ट्रे तैयार करेंगे जिसमें हम सारे कैक्टस लगाएंगे। अपने गार्डन के लिए ट्रे बनाएंगे तो इसके लिए ये हमने हार्ड शीट लिया है। ये हमने 8x5 इंच का शीट लिया है और इसमें 1-1 इंच साइड में हमने कर दिया है और साथ ही साथ में इसमें हमने यहाँ से यहाँ पर 1x4 इंच का निशान लगा लिया है। ये देखिए ऐसे तिरछे, ये स्ट्रेट लाइन कट ना करके हम ऐसे थोड़ा सा तिरछा कट करेंगे। वन वन ही कट करेंगे, वन साइड का छोड़ देंगे। फोल्ड करने के बाद हम इसको एक दूसरे के साथ स्टिक करेंगे। अभी हम अपने मार्किंग से फोल्ड करेंगे तो फोल्ड करने के लिए यह हमने अपने मंडाला टूल के पॉइंटेड से यहाँ पे क्रीज बनाएंगे।
ये देखिए, अब इसको हम यहाँ पे इसके साथ यहाँ पे स्टिक कर देंगे। ये देखिए, अब ये ड्राई हो जाएगा तो हम ये जो साइड में थोड़ा सा निकला हुआ है इसको कट कर देंगे। ये देखिए, ये बॉक्स तैयार हो गई है। अब हम इससे थोड़ा सा बड़ा हमने ये साइज़ का येलो कलर का पेपर कट कर लिया है और इसको हम पूरा इसी से कवर कर देंगे। ये देखिए, ये हमने कवर कर लिया है। ये अब यहाँ पर हम एक ये रेड स्ट्रिप हम इस तरह से थोड़ा सा ऊपर गैप छोड़ते हुए इस तरह से चारों तरफ इसको स्टिक कर लेंगे। ये देखिए, ये हमारी ट्रे तैयार हो गई है। अब इसमें हम बीच में रॉक लगाएंगे। तो रॉक बनाने के लिए हमने यहाँ पे क्ले लिया है, मोल्डिंग क्ले। इसी से हम अपना रॉक बनाएंगे और इस पर स्टिक करेंगे। ये देखिए, ये हम अपना क्ले तैयार कर लिया है। अब इसी से हम छोटे छोटे रॉक बनाएंगे। छोटे बड़े हर साइज के हम बना लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमने बना लिया है। इसी तरह से हमने ये और भी तैयार कर लिया है। अब इसको हम सबको कलर करेंगे और कलर करने के बाद फिर हम अपने ट्रे में स्टिक करेंगे। ये देखिए, ये हमारी ट्रे तैयार हो गई है। हमने रॉक सारे स्टिक करके और इसको वार्निशिंग कर दिया है। ये हमारे पास डेकोर वार्निश था, इसी से हमने इसको कर दिया है। तो इससे देखिए कितना शाइनी लुक आ रहा है और हमारा कलर भी सिक्योर हो गया। और इसी तरह से हमने जितना कैक्टस बनाया था इस पर भी वार्निश कर लिया है। अब हम अपने सारे कैक्टस इस पर स्टिक करेंगे। यहाँ पे हमने ये थोड़े से रॉक बचा के रखे थे और कुछ हमने वाइट भी रखा था। तो ये स्टिक हो जाए, ड्राई हो जाएगा जब, तब हम इसको बीच बीच में फिल कर देंगे। ये देखिए, ये हमारी कैक्टस गार्डन बनके तैयार हो गई है। देखिए ये कितना सुंदर लग रहा है। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल आर्टिस्टी होम को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।